आज हम बात करेंगे कुछ अशुभ ग्रहों को शुभ ग्रह बनाने की। ग्रहों की अनिष्टदायक स्थिति को शुभ मंगलमय बनाने के लिए कुछ सरल उपाय करें तो हमें शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन में नए कार्य करने में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी और आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपूर्ण होने लगेंगे। ये उपाय इस प्रकार हैं। पहला, प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी दें। हो सके तो आज के दिन यह कामधेनु वांछित कार्य करेगी, ऐसी भावना करें। दूसरा, प्रातःकाल उठकर वृद्धजनों व माता पिता गुरु को प्रणाम करके उनका आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह उठकर 5 अगरबत्ती लगाकर दिन की शुरुआत करें। तीसरा, यदि आपके गांव व शहर के पास नदियां सागर है उसमें कुछ कछुए व मछलियों को आटे की गोल लोइयां बनाकर खिलानी चाहिए। चौथा, प्रातः स्नान करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र की पूजा से युक्त दंडवत नमस्कार करना चाहिए। पांचवा, नित्य प्रति चील कौवों को खाने पीने की वस्तुओं में से कुछ हिस्सा अवश्य डालना चाहिए तथा गोग्रास की भोजन करते समय नियमित निकालें। छठा, प्रातःकाल भोजन बनाते समय माताएं बहनें एक रोटी अग्निदेव के नाम से बनाकर घी तथा गुड़ से बृहस्पति भगवान को अर्पित करें तो घर में वास्तु पुरुष को भोग लग जाता है, इससे अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहती है। सातवां, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल कच्चा दूध थोड़ा चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य शंकर पीपल इन तीनों की सविधि पूजा करें तथा चढ़े जल को नेत्रों से लगाएं और पितृ देवाय नमः भी 4 बार बोलें तो राहु केतु शनि और पितृ दोष का निवारण होता है। आठवां, अभक्ष्य वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नौवां, रविवार व मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेना पड़े तो बुधवार को लें, मंगलवार को कर्ज चुकाना चाहिए। दसवां, नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन व भाग्योदय होगा। ग्यारहवां, पितृदोष से मुक्ति के लिए नित्य महागायत्री के महामंत्र की नियमित साधना करें तथा श्री रामेश्वर धाम की यात्रा कर वहां पूजन करें। ये कुछ उपाय करने से आपके सभी मंगल कार्य पूर्ण होंगे और आपके सभी अशुभ ग्रहों की दशा शुभ ग्रहों की दशा में बदल जाएगी।